go on places which are already explored. I go to places which are unexplored. So sometimes people ask me that, are you a beach person or are you a mountain person? I would say I'm a travel person. Take me to mountains, to beaches, to deserts, to forts, palaces, everywhere. ट्रैवल करना हर किसी को पसंद होता है. हर कोई चाहता है कि भाई कोई अनएक्सप्लोर जगह को एक्सप्लोर करे. और इसीलिए आज हमारे साथ हैं एक पायरेट. हाय, वेलकम टू द शो. थैंक यू. सो हाउ डिड यू बिकम दिस ट्रैवलिंग पायरेट? व्हाट लिटरली इंस्पायर्ड यू टू बिकम दिस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर? वेल, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रैवल सिंस चाइल्डहुड. आई हैव बीन अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर एंड आई यूज टू पोस्ट लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड ऑल ऑन फेसबुक. And all of my friends, they said, you know, this is what you can do. So that's what inspired me. Obviously, passion होता है, तो जो भी इंसान करता है वो एक अच्छा result ही उसका आता है. तो आपने अपनी influencing की journey कितने time पहले शुरू करी? I took Instagram very seriously as an influencer 2 years back. So before that, I was a blogger. I have a website as well, roamingpirates.com. And there I used to do blogging. I used to write about all the travels. So traveling, I'm traveling since 2008. Okay. Frequently. So it's been a long time since you've been traveling. Shimla, Manali, Masuri, Nainital, तो हर कोई जाता है. Unexplored जगहों का trend जो है काफी ज़्यादा बन गया है. तो क्या आपको भी लगता है कि travel space में इस time पर अगर trend की बात करें, so unexplored places का trend काफी चल रहा है? You know, as for me, I do go on places which are already explored. I go to places which are unexplored. So sometimes people ask me that, are you a beach person or are you a mountain person? I would say I'm a travel person. Take me to mountains, to beaches, to deserts, to forts, palaces, everywhere. So it's all about the passion, what you want to explore. So वो एक time या फिर एक moment कब था कि यार एक कोई मेरी reel या फिर कोई चीज चल गई, जब आप सोशल सुपरस्टार बन गए, व्हाट वाज दैट मोमेंट एंड उसके बाद से आपकी जर्नी कैसी रही है? ओके, द बेस्ट थिंग इज दैट द फर्स्ट रील दैट आई पोस्टेड, द काइंड ऑफ कमेंट्स आई गॉट ऑन दैट एंड द काइंड ऑफ डीएम्स आई गॉट, दे वर वेरी मोटिवेटिंग. यू नो, आई वुड नॉट से कि वो रील बहुत चल गई, बट देन कभी कभी लोग आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि आप और अच्छा काम करना चाहते हैं. सो व्हेन नाउ व्हेन आई चेक माय इंस्टा, माय रील्स दैट वर अर्लियर एंड द रील्स दैट आई मेक टुडे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. ऑब्वियसली सबकी एक जर्नी होती है, आपकी भी एक जर्नी रही है. तो अगर कोई अगला सोशल सुपरस्टार बनना चाहता है, हम सोशल सुपरस्टार इसलिए बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो है मेगा स्टार्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, वो उस जॉनर में होते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर भी हर कोई सुपरस्टार, मेगा स्टार जो है बन जाता है. इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स जो हैं, जो कि आज इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं. तो अगर कोई उस पड़ाव तक पहुंचना चाहता है, सोशल सुपरस्टार बनना चाहता है, तो उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़, पैशन. वट एवर यू डूइंग, यू शुड बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट. एंड देन यू शुड हैव दैट थिंग इन यू दैट आई विल मेक अ वे, आई विल फाइंड माई वे. सो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, There is no stop. रास्ते मिल जाते हैं. बिल्कुल. तो मतलब हार नहीं माननी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. लेकिन आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है. बहुत ज़्यादा एक कंजेशन है. तो उस कंजेशन से हट कर आप किस तरीके से अपनी इंडिविजुअलिटी बना सकते? बींग ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड मुझे ऐसा लगता है कि यू नो लाइफ में इतना कुछ है कि सबके लिए अपना एक स्पेस है. You know, you can make your space everywhere. You know, dunya mein, this universe is so big that there is everything, you know, for everybody there is something. तो मतलब जैसे कि ऑलरेडी हमारी पायरेट बोल रही है कि अगर आप अगले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो पहले तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि यार मैं ट्रैवल करूँगा तो मेरे पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे. जैसे उन्होंने बोला, ऐसा नहीं है. आप बजट में भी ट्रिप्स को एक प्लान कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर ट्रिप्स एंड योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड एंड बिकेम वन. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू.